नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार के कार्यों पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है। पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती दिख रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया लाउडस्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोरने लगा है। अब स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउडस्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउडस्पीकर को या तो उतरवा रही है और या जो वैध है वहां आवाज को नियंत्रित करवाया जा रहा है। जनपद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं या अन्य जो प्रतिष्ठान हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से अवगत कराते हुए इन सभी के द्वारा इनके सहयोग से इन निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में जहां कहीं भी अधिक संख्या में या बिना अनुमति के लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं उनको हटवाया जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ पे ध्वनि मानक के अनुरूप नहीं है उस वहाँ पर वॉल्यूम कम करवाया जा रहा है तथा व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिससे कि आम जनमानस को इससे कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे जनपद में हम लोगों ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सभी आयोजकों के साथ बैठक की है, थाना वायर बैठक हुई है, मेरे द्वारा भी सभी पीस कमेटी के लोगों के साथ बैठक हुई है और पुरानी परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा। नई परंपरा, नया स्थापन नहीं होगा। कहीं पर भी अवैध रूप से लाउडस्पीकर का स्थापना हम अलाउ नहीं करेंगे और किसी तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां को अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही सभी आयोजकों के साथ अच्छा सामंजस्य है और शासन के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई सुनिश्चित की। हमें आदेश मिला, कोतवाली में बुलाया गया और उन्होंने बताया कि शासन का और चीफ जस्टिस या जो भी जजों का आदेश है कि जो है ये ध्वनि जो है ज़्यादा ना होने पाए, प्रदूषण ना होने पाए, इसलिए एक माइक उतार दिया जाए और एक माइक लगने या दो लगा है तो एक उतार दिया जाए और एक जो है लगा रहे जिससे आप धीमी आवाज़ में अजान पहुंच जाए और लोग अपना नमाज पढ़ लें, रोज़ा खोल लें, जो है सेहरी खा लें। तो ये आदेश मुझको मिला तो मैंने उतरवा दिया टंकल की ताजिए का और वलीनाथ खां मस्जिद मियाँ बाज़ार जाहिर साहब के बगल का जो है वो भी माइक मैंने उतरवा दिया है। अब एक माइक लगा रहेगा जिससे वो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, इससे कोई परेशानी नहीं है। जो शासन का आदेश है वो हम सर आँखों पर है, उसका तब पालन करना मेरा फर्ज है। लगातार जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जनपद के एंटी करप्शन की टीम और कैंट थाने की पुलिस ने सहायक लेखा अधिकारी को चाय की दुकान पर करीब 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को कैंट थाने के सुपुर्द कर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसे जल्द ही न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। खबर संभल से है जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आगामी त्योहार के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के सभी धर्मगुरु मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों को शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से मनाने की अपील की। आगे पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से आगामी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। खबर कानपुर से है जहां 16 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जबकि इस जमीन को कई बार सरकारी विभाग ने कब्जा मुक्त कराया लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण और भूमाफियाओं की साठगांठ से इस जमीन की अब तक अवैध तरीके से रजिस्ट्री भी करा ली गई है। लेकिन अब इस मामले के सामने आने पर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस कदम के बाद अब विभाग के अफसर भी उनकी राह पर चल पड़े हैं। अपर स्वास्थ्य निदेशक ने मथुरा में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ईडी के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। उन्होंने अपने निरीक्षण की शुरुआत लाइन में खड़े होकर पर्चा बनवाने से की। साथ ही पर्चा बनवाने के बाद ईडी ने लैब, एक्सरे सेंटर, वार्ड और ओपीडी का भी निरीक्षण किया। कल सुबह अपर निदेशक महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य आगरा मंडल आगरा द्वारा हमारे जिला चिकित्सालय मथुरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी की उपस्थिति जो है वो अपर निदेशक महोदय को मिली, ओपीडी चलती हुई मिली और उन्होंने ओपीडी, इंडोर इमरजेंसी, ऑक्सीजन प्लांट सभी स्थलों का निरीक्षण किया और उसमें उन्होंने अपनी सफाई व्यवस्था भी देखी और अपनी संतुष्टि जाहिर की और जो भी जो उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका। अलीगढ़ के नगर पंचायत कौड़ियागंज में बोर्ड मीटिंग की गई। इस दौरान नगर पंचायत के 11 सभासदों ने ईओ और चेयरमैन पर कब्जे में विकास नहीं कराने का आरोप लगाया। मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि कस्बे की गली और मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां कई गलियों में जल भराव की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सभासदों की ओर से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कस्बे में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा। इसी को लेकर सभासदों ने प्रदर्शन करते हुए अपने पद से अब इस्तीफा देने की भी बात कही है। जल भराव, इसमें मच्छर, इसमें वो तमाम जो महामारी आ गई, तमाम बीमारियों का वो बनना है ये घर। और सन 2020 से सन 2020 अक्टूबर का ये मेरे पास ये रहा वो एस्टीमेट है इसका ये, और आज तक इसमें कोई काम कार्रवाई नहीं है जब न कोई टेंडर लगा रही है, एस्टीमेट बनवा दिया उन्होंने, जेई साबर का एस्टीमेट है ये रहा। बैठक के दौरान सभी माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभी संबंधित सभासद उपस्थित होने के बाद बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ की गई। सभी सभासदों ने शहर से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अनुमति अपनी मौखिक अनुमति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने उपस्थिति पंजिका पर दस्तखत किए, जो विधिवत कार्रवाई होती है। दस्तखत करने के बाद प्रस्ताव रजिस्टर रखा गया। उनकी जो मुख्य शिकायत थी वो विकास कार्य न होने की थी कि हमारे वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए गए और इनमें विकास। मथुरा में 31 सेंटर्स पर CBSE बोर्ड की क्लास 10th और 12th की परीक्षाएं कराई गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए हर क्लास में सिर्फ 18 बच्चों को बैठने की अनुमति मिली, जबकि हर क्लास में 2 शिक्षकों की तैनाती की गई। इस परीक्षा के दौरान खास बात ये रही कि जनपद में किसी भी विद्यालय को सेल्फ सेंटर नहीं बनाया गया। वहीं इन परीक्षाओं को लेकर कोऑर्डिनेटर अनिल यदुवंशी ने बताया कि CBSE की परीक्षाओं को लेकर विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। नाम है आपका? कौन सी क्लास के पेपर दिए आपने? 10। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा गया, इजी भी आया था। बहुत इजी भी आया था। तैयारी करके गए थे आप? फुल ऑन। आपका कंडेलवाल जी बताया, ये यहाँ आप आए बच्चों के एग्जाम दिलाने, क्या लगा कि तुम्हें बच्चों की सुविधा और कोरोना के चलते क्या लग रहा है आपको? पूरा व्यवस्थाएं अच्छी है, बच्चों का सैनिटाइजर किया जा रहा है, बच्चों को मतलब सोशल डिस्टेंस के बारे में उस हिसाब से चलाया जा रहा है बच्चों को। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको एंट्री दी गई और बच्चे सभी मास्क लगा करके विद्यालय आए हैं और सभी विद्यालय जो नियमावली CBSE द्वारा निर्देशित की गई है उसका सही ढंग से पालन कर। सेंटर्स को बढ़ाया इसलिए गया, ये संख्या किसी समय में 22 और 23 रहा करती थी, इसकी संख्या को 31 बढ़ाने का उद्देश्य यही था कि हर सेंटर पर बच्चों का जो लोड है उसे कम किया जाए। शुरू में प्रत्येक कक्ष में 24 बच्चों की अनिवार्यता हुआ करती थी जब कोविड फ्री इन्वायरमेंट था। जब से कोविड आया तो इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए प्रत्येक कक्ष में 18 बच्चों की व्यवस्था की गई। उसका मतलब यह है कि बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इस वजह से व्यवस्था को लागू किया गया। और जो एग्जामिनेशन टाइम था जिसको किसी समय में 3 घंटे की जो परीक्षा होती थी, अब उस परीक्षा को भी यूपी में भले ही नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड परीक्षा की पोल जिले में एक वायरल वीडियो ने खोल कर रख दी है। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थी बोर्ड का
प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे थे, जहां पर रायबरेली जनपद के सालौन कोतवाली क्षेत्र के लोहरेपुर पटेल शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में स्कूल की ही कुछ छात्राओं को खुलेआम स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा नकल करवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जबकि वायरल वीडियो होने के बाद एडीएम का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी वीडियो का संज्ञान मिला है हम लोगों को और डीआईएस रायबरेली को भी इस वीडियो के बारे में अवगत कराया गया है। उनके द्वारा जांच करा करके इसके विरुद्ध डिवाइड इत्यादि कराने की कार्रवाई कराई जाएगी। अभी वीडियो का संज्ञान। अलीगढ़ में रमजान के महीने में पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रीय महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कई बार क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रदर्शन को शांत कराने में जुटी हुई है। महिलाओं की मांग है कि अगर जल्द ही क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म नहीं हुई तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगी। वो पानी नहीं दे पा रहे, वहाँ पर 2 महीने से इतने परेशान है कि रात और दिन हम पानी के चक्कर में हम भागे फिरते, एक एक डिब्बा लेके एक एक बाल्टी लेके हम जगह जगह भागते फिर रोजों में। त्योहार हमारा वैसे ही है, अब त्योहार अगर क्या नाम है, त्योहार को देखे या घर को देखे या काम को देखे या पानी को देखे या पूरे पूरे रमजान रखे हैं हम बच्चे महंगी तो बता दो। और उधर की तरफ पूरे ट्यूबवेल है, उन्होंने पानी खूब चला रखा है उन्होंने अपने गली में, और हमारी गली में एक एक बूंद पानी से इतने परेशान है हम लोग, समझ लो बहुत परेशान है हम बहुत परेशान हो गए। इसलिए हमने धरना दे रखा है यहाँ पर, इसलिए पब्लिक हमें पानी चाहिए बस। करीब करीब जिस दिन से रमजान लगे परेशानी तो पानी की यहाँ से हमेशा रही है गर्मियों में महबूब नगर में, क्योंकि एक नया वार्ड बना था, ये तमाम औरतें परेशान है रमजानों में। ये मान लीजिए 2-3 गलियाँ ऐसी हैं जिसमें पानी मिल रहा है, सिर्फ कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है वार्ड में, क्योंकि मुझे मैं खूब जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार है और ये मुस्लिम महिला है, सिर्फ हम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं और ये ऊपर से कहीं ना कहीं इनका दबाव है। जल निगम का अधिकारी हो या निगम का अधिकारी हो, एक अधिकारी वार्ड नंबर 32 को बता नहीं सकता कि वार्ड नंबर 32 फला जगह है, ऑफिस में बैठ के भी नहीं बता सकता महबूब नगर है किस इलाके में, तो ये क्या काम करेंगे। और एक भी ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहां मैंने मऊ के कोपागंज थाना के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मकान में पहले तो शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे 2 सिलेंडर्स में आग लग गई, और आग लगने के कारण 2 मंजिला मकान में जोरदार विस्फोट भी हुआ जिससे मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन इस पूरे हादसे में मकान के सभी 5 लोग सुरक्षित घर से बाहर निकले और किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। खबर मथुरा से है, जहां जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने मथुरा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 से 2 शातिर चोरों को यात्रियों का सामान चुराते हुए पुलिस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जब इन शातिर चोरों की तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन, चांदी का चैन और करीब 3500 की नकदी भी बरामद हुई है। जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त चेकिंग अभियान में रात्रि में हमारी टीम ने 8 और 9 प्लेटफॉर्म पर बोर्ड के पास से 2 लड़कों को पकड़ा है, 2 चोर हैं। इनके पास से कई चोरी के सामान बरामद हुए, जैसे बैग है, चांदी की चेन, मोबाइल है, कुछ नकदी है बरामद हुई जो कि मुकदमों से संबंधित है, जिन्हें गिरफ्तार कर। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर विश्वविद्यालय के हॉकी ग्राउंड कैंपस में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर एएमयू प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी आग की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक हॉकी ग्राउंड में आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। वहीं मौके पर दमकल विभाग के साथ एएमयू प्रशासन भी मौजूद है। सूचना मिलती है कि यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर झाड़ियों में आग लगी हुई है। हम 2 गाड़ी फाटक कर लेके आए अपनी ड्यूटी साथ में करने के लिए का, और झाड़ियों में आग लगी है, दोनों गाड़ी हमारी काम कर रही है आग पैसा करने। हमारे अधिकारी साइड में मौजूद है, फिर आग देख रहे हैं। एएमयू का कौन सा हिस्सा है? एएमयू जहाँ
जो संधा मार्केट है उससे पहले दाने हाथ पे आ गए पूरी साहब बोलो कुछ। तो आग जो है कितनी बड़ी है? आग झाड़ियों में, आग बिल्डिंग नहीं, आग झाड़ियों लगी सब खाली आपकी, जो किनारे की जो झाड़ियां सारी झाड़ी सड़क के साथ। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।